कल तक अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री कर्जा लेने के लिए या मदद मांगने के लिए। कितना कर्जा है भारत? तो अभी आपने बोला पहले अमेरिका से जाके कर्जा लेती थी कांग्रेस, तो अब भाजपा नहीं ले रही, तो मतलब वो जो वो पैसा 2014 से पहले कितना कर्जा था और अब कितना? वो मैंने सुना था 55 लाख करोड़, अब 2.5 हो गया है, 205 लाख, ठीक है 1.5 करोड़। लेकिन अब देखो कितनी चीजें बल्दी है, कितने हथियार हैं, कितनी टेक्निक चीजें आई है। अभी शिवाजी का मूर्ति बनाए थे 35,000 करोड़ रुपए के मूर्ति, वो मूर्ति गिर गया, ये क्या है? भ्रष्टाचार है कि नहीं है बताइए? उसका गलती मानी नहीं मानी? अच्छा गलती माने ना, मांगी नहीं। अगर राहुल गांधी ने कुछ कर दिया तो इसमें बुरा क्या है? वो भी फ्यूचर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे कि ये बन सकते हैं। अगर ये चाय बेचकर बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो वो तो उनका जो वारस है, वो जो वारस इससे चले आ रहे हैं, वो तो एक राजा की तरह उन्होंने अपनी लाइफ बितानी चाहिए। मगर हम आज देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से विलेज टू विलेज जा रहे हैं, सिटी टू सिटी जा रहे हैं, लोगों के अंदर अपनी बातें बता रहे हैं। इस तरह से कभी ये जो है नरेंद्र मोदी ने किया है क्या? किसी के लिए नहीं किया है। आते हैं प्लेन में बैठते अमेरिका जाते हैं, आते हैं प्लेन में बैठते अपने घर चले जाते हैं, ये कोई बात हुई? राहुल गांधी को बोला जा रहा है कि देश विरोधी बयान देते हैं, क्या कहना है इस पे? कह रहे हैं कि विदेश में जाके देश विरोधी बयान दे रहे हैं। देश में राहुल गांधी के देश विरोधी बयान कैसे करते हैं? ये पूरा देश घूम रहा है, राहुल गांधी ने पूरा देश घूम करके गरीबों से लेकर के अमीर तक सबको जो है उन्होंने सबको उन्होंने हाल चाल जाना, एक मोची के साथ जा करके जो वो अपने जूते सिलवाते हैं और वो जूता जो है कितने 1,000 रुपये में बिक जाता है। तो इसको आप क्या कहेंगे? DTC के बस में जा करके वो जो कंडक्टर थे, नोटबंदी की बीजेपी ने, रोया कौन हम? अच्छा क्या लगता है मोदी जी को डर क्या यही है राहुल गांधी पोल खोल देंगे? बिल्कुल खोल देंगे, वो देश में घूम घूम करके जनता से मिल रहा है, वो लोगों का दुख दर्द जान रहा है, वो सकी कौन गरीब है, कौन क्या है, उसके अंदर क्या कमी है, इसको क्या चाहिए। और वो जो जा करके वो सरकार को बताते हैं ये कि देश में क्या चल रहा है, कितनी गरीबी है, कितनी अशिक्षा, कितनी अशिक्षा है, कितनी बेरोजगारी है, पढ़े लिखे लोगों की नौकरी की क्या हालत है, ये सब जो है राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री को दिखाता है वो। और प्रधानमंत्री ये देख करके देखना नहीं चाहते उनको, वो जो है सिर्फ जो है अपनी जो है वो कहते हैं जो कुछ हम कहते हैं वही सही है, बाकी जो कहता है वो बिल्कुल हवा हवाई है वो। अच्छा कांग्रेस जो है मोदी जी को कह रही है झूठों के सरदार है, माहिर है झूठ बोलने में मोदी। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है कि झूठों के सरदार है। हाँ जो बिल्कुल बिल्कुल झूठे वादे कर रहे हैं, झूठे सारे जनता से झूठे वादे करते हैं, इनके एक भी झूठे एक भी वादे पूरे नहीं करते हैं। आज कहाँ गई वो जो इन्होंने चुनाव टाइम में कितने करोड़ जो है नौकरी देने का वादा करा था, वो नौकरी लोगों को मिली काम मिली वो? और झूठ हो जाए लोगों से अपने गरीबों से खाते में जो पैसे डलवा लिए, उनके बैंक अकाउंट खड़ा कर बैंक अकाउंट में पैसे डलवा लिए, आज जो है बैंक कहता है कि कम से कम जो है खाते में 1,000 रुपया होना चाहिए, नहीं तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी। अब बताइए, अब इन्होंने बोला कि बैंक जो मोदी जी ने अकाउंट खोले उन्होंने पैसे डलवा लिए, मेरा खुद 0 अकाउंट है, मेरा कभी भी 0 हो जाता है, 1 रुपया नहीं कटता है, ठीक है? पहला झूठ तो इनका ये है। दूसरी आपने पूछा अभी उन्होंने कि राहुल गांधी विदेश गए, उन्होंने वहाँ पे जाके क्या बोला कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, ये टेम्परेली है, नुस्खा सुना पूरा बयान ये नहीं था, पूरा बयान ये था कि जब समानता आ जाएगी देश में, उनको लगेगा कि सब एकता आ गई है, तब आरक्षण हटाने की बात होगी। तो समानता कब तक आएगी, मतलब कब तक आएगी? 70 साल तो कांग्रेस को हो गई, 15 साल बीजेपी को होने आ रहे, तो अभी तक समानता नहीं आई, मतलब अभी तक कोई वो छुआ छूत या ऊंच नीच अभी तक है ही नहीं। तो तभी तो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जाति जनगणना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ताकि उससे इस जाति की इतनी वोट है, इस जाति की इतनी वोट है, उसके हिसाब से वादे करेंगे, ठीक है? वो वोटों को मांगने के लिए, अगर जाति जनगणना की जगह वो ये कहते पूरे भारत की जनगणना करवा लो तो उस पर तो गवर्नमेंट तैयार हो जाती, लेकिन वो कह रहे हैं जाति जनगणना, तो अपनी जाति मेरी बात सुनो एक मिनट। जब उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, अनुराग ठाकुर ने ये पूछा था आपकी जाति क्या है, तो वो भड़के क्यों? अपनी जाति बताने पे क्यों भड़के? अगर आप एक मिनट, अगर आप मुझसे एक मिनट ये मुझसे पूछेंगे आपकी जाति क्या, तो मैं चौड़े होकर बताऊंगा, क्यों नहीं बताओगे? पर कोर्ट में संसद में इस तरीके से सबके सामने पूछना कि उनकी जाति क्या है सही है, तो कोर्ट में भी तो यही बात चल रही है ना कि जब आप जाति जनगणना की बात कर लिए तो वो कोर्ट में तो पूछेंगे।
संसद में से बीच में पूछना, क्या कहना है? देखिए इनको जो है ना बोलने में डर लग रहा है, ठीक है? मुझे और क्या, क्यों खोल के बोलो ना भाई साहब, खोल के बोलो, खुल के बोलो, फिर खुल के बोलो, खोल के तो नहीं बोल रहा ना। मोदी जी ने क्यों बोला था जाके बाहर देशों में, उसको क्यों नहीं बोला आपने? जो हमारा देश बहुत 2014 से पहले निराशा में थे, वो बुरा ही नहीं था देश का। निराशा में कब बोला आप? सुन लीजिए, वो हिंदुस्तान की बुराई नहीं कर रहा, आप तो कह रहे हो ना हिंदुस्तान का बुराई कर रहा है। अगर हिंदुस्तान का बुराई कर रहे हो, राहुल जी करा है ना, वो भी गलत है ना, तो मोदी जी ने भी तो बोला, वो भी तो गलत है। किसके साथ करा वो तो बता दो, आप कौन से देश में जाके करा वो बता दो मुझे, फिर मैं उसकी वीडियो खंगालूंगा। आपको पता नहीं है? मेरे को तो नहीं पता। जो मैं तो मोदी जी ने विदेश में जाके बयान दिया था कि निराशा में डूबा हुआ था भारत 2014 से पहले, तो क्या ये बदनामी नहीं है भारत? तो निराशा में डूबा हुआ वो उन्होंने अपने तरीके से बताया था। अच्छा। कल तक अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री, कर्जा लेने के लिए या मदद मांगने के लिए। कितना कर्जा है भारत में? कर्जा तो अभी भी है, कर्जा तो कहां से ले रहे हैं? विदेशों से नहीं ले रहे। अमेरिका सुपर पावर है, उस पर कर्जा है नहीं है? उस पर दुनिया से सबसे ज्यादा कर्जा है। चीन उस पर कर्जा नहीं है क्या? हमारे देश पे कर्जा है? अगर हमारे देश पे इकलौता कर्जा हो, इनका अगर कर्जा है उसकी मैटर है, तो फिर उसकी आपके सर में दर्द क्यों हो रहा है? कर्जा किस लिए? हमारे देश के बारे में पूछ रहे हो, बताइए ना, कर्जा किस लिए लिया जाता है इसके बारे में बताओ। तो अभी आपने बोला पहले अमेरिका से जाके कर्जा लेती थी कांग्रेस, तो अब भाजपा नहीं ले रही? तो मतलब वो जो वो पैसा 2014 से पहले कितना कर्जा था और अब कितना? वो मैंने सुना था 55 लाख करोड़, अब 2.5 हो गया है, 205, ठीक है 1.5 करोड़। लेकिन अब देखो कितनी चीजें बल्दी है, कितने हथियार आए, कितनी टेक्निक चीजें आई है, बदलाव लग रहा है? बदलाव नजर आया है ना? अभी शिवाजी का मूर्ति बनाए थे 35,000 करोड़ रुपए के मूर्ति, वो मूर्ति गिर गया, ये क्या है? भ्रष्टाचार है कि नहीं है बताइए? उसका गलती मानी नहीं मानी? अच्छा गलती माने ना, मांगी नहीं आप जो है? अच्छा मूर्ति, जो मूर्ति गिर गया उनसे माफी मांग रहा है? और जो क्या नाम है हरियाणा में जिनके वोट लग गया है, जो बीजेपी को आना एंट्री नहीं है भाई, जो उससे माफी नहीं मांग सकते? उससे क्यों नहीं माफी मांग रहा भाई? अब एक एक मूर्ति से तो माफी मांग रहे हो, और जो किसान को डंडा बजाया आपने, उनसे क्यों नहीं माफी मांग रहे? आपको शर्म आते हैं? डंडा कब बजा ये बताओ? नहीं बजाया। 2012 में आंदोलन हुए थे, किसान नंग पैदल आए थे, बस से आए थे, अब ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए थे और बैरिकेड तोड़ के लाल किले पर झंडा टांगा था खालिस्तानी, तो उसके बारे में कांग्रेस क्यों नहीं जवाब देती? कौन थे वो लोग? किसान थे वो? सरकार कौन थे? किसान थे? सरकार कौन थे? दिल्ली में सरकार किसकी? तुम्हारा सुन तो लो, अगर बीजेपी के सर में दर्द होगा ना, तो कांग्रेस वाले से दवाई मांगने जाना, अपने इलाज मत करवाना। दिल्ली में सरकार किसकी थी? अच्छा मोदी जी जब विदेश में जाके बयान देते हैं कुछ भी भारत के खिलाफ, तो वो जस्टिफाई कैसे हो जाता है? और राहुल गांधी जब कहते हैं उसका मुद्दा बन जाता है? एक मिनट मैडम, उसने ये बताओ ना, कानून किसके हाथ में? दिल्ली में कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। उत्तर सवाल करो, उत्तर सवाल करो। केजरीवाल को मांगनी चाहिए ना सुरक्षा इस बारे में? अरे कानून व्यवस्था जब उसके हाथ में नहीं है तो केजरीवाल को मांगेगा? अमित शाह काम करने वाले को अंदर डाल रखे हो यार, गलती करो तुम और माफी मांगू मैं, ये कौन सा हिसाब है? गलती करो आप, मेरे को माफी मैं मांगू। इन्हों का कहना है कि मोदी जी ने कहा आप लाल किले पे आओ, झंडा हमारा उतारो और अपना लगाओ, और हम भाग रहे हैं। तुम्हारे काहे के लिए बैठे थे? तुम बैठे काहे के लिए थे? इस्तीफा दे दो ना, इस्तीफा दो। अगर आप देश नहीं चला पा रहे हो तो इस्तीफा दे दो। क्या क्या कहना है? देखिए कांग्रेस जो है कहती है कि मोदी जी हैं झूठ बोलते हैं, झूठों के सरदार हैं, इस बात से कितनी सहमत है? ये तो 100% राइट है, मोदी जी ने आज तक जितने वादे किए सारे ही झूठे निकले हैं। हर एक मामले में अगर आप नोटिस करोगे तो उन लोगों का बस यही है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। राइट में अगर देखा जाए तो जो फैक्ट है वो तो कहीं नजर ही नहीं आता है। अच्छा राहुल गांधी को अब देश विरोधी बता रही है भाजपा, कह रही कि देश विरोधी बयान देते हैं राहुल गांधी। देखो अगर अभी मोदी की अपनी सरकार चलानी होगी तो पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हर एक इंसान जो कि मुसलमान है वो सब विरोधी ही है इस वक्त। तो लगता है भाजपा धर्म के ऊपर काम बिल्कुल 100% कर रही है। अगर वो धर्म के खिलाफ में अगर ना बोले तो उनकी तो पार्टी एक दिन भी ना चल पाए। इनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है मुसलमान, अगर मुसलमान इस देश से अगर उनको पूरा ही निकाल देना है तो पाकिस्तान से डील करवा ले, सारे मुसलमानों को यहाँ से पाकिस्तान भेज दे, कर सकते हैं वो? अच्छा राहुल गांधी को तो
पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर बता रही है भाजपा। और वो वहाँ के कहाँ के एम्बेसडर है इस वक्त में, कहाँ के है आप बताइए? वो भी तो बाहर के एम्बेसडर बनकर जाते हैं ना। हाँ, अगर राहुल गांधी ने कुछ कर दिया तो इसमें बुरा क्या है? वो भी फ्यूचर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जैसे कि ये बन सकते हैं। अगर ये चाय बेचकर बन सकते हैं प्रधानमंत्री, तो वो तो उनका जो वारस है, वो जो वारस इससे चले आ रहे हैं, वो तो एक राजा की तरह उन्होंने अपनी लाइफ बितानी चाहिए। मगर हम आज देख रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से विलेज टू विलेज जा रहे हैं, सिटी टू सिटी जा रहे हैं, लोगों के अंदर अपनी बातें बता रहे हैं इस तरह से। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा इस तरह से कभी ये जो है नरेंद्र मोदी ने किया है क्या? किसी के लिए नहीं किया है। आते हैं प्लेन में बैठते हैं अमेरिका जाते हैं, आते हैं प्लेन में बैठते अपने घर चले जाते हैं, ये कोई बात हुई? कभी उन्होंने यहाँ पर अपने अपने वो जो है गेस्ट हाउस से लेकर कभी चांदनी चौक में आकर जितने भी रास्ते के गरीब लोग बैठे हैं उनसे कभी पूछा है भाई आपको तकलीफ क्या है? उनको राजा बनने का अगर इतना ही शौक है तो उन्होंने राजा की तरह ही काम करना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को देश विरोधी बोला तो वो भी देश विरोधी ही है, क्योंकि ये देश के अंदर हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर भी डिवाइड एंड रूल नहीं है। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही अधिकार हम मुसलमानों का भी है, समझिए आप।